हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं अंकित गोयल। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको हम एफएम बोलते हैं। और आज की क्लास के अंदर मैं आपको एफएम का इंट्रोडक्शन दूंगा और ये बताऊंगा कि एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, किसी कंपनी में उसका यूज कैसे किया जाता है या उसके यूसेज क्या है, और किसी भी कंपनी का या किसी भी एक फर्म का ऑब्जेक्टिव अबाउट फाइनेंशियली कैसे पूरा किया जाता है। अगर किसी कंपनी के पास सफिशियंट मनी नहीं है कोई बिजनेस करने के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, तो वो कंपनी कैसे फंड रेस करती है मार्केट से, क्या-क्या सोर्स है हमारे पास जिससे हम मार्केट में फंड को रेस कर सके। तो ये सब चीजें हम सीखेंगे एफएम के अंदर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा, विच इज इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जिसको हम एफएम बोलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको हम एफएम बोलते हैं। याद रखना, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, कुछ चीजें बताऊंगा। और एक चीज याद रखना जरूर, ये जो हमारा कोर्स है ये टोटली रियल लाइफ बेस्ड कोर्स है। हम सभी जानते हैं, या हम लोग में से बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर, हमारे को फ्यूचर में एमबीए इन फाइनेंस करना है। तो वो जो फाइनेंस की जो स्टार्टिंग है वो यहीं से है जो मैं आपको करा रहा हूं। यहां से अगर आप उसका बेसिक कोर्स या बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे, तो आगे आपको आने वाले हर कोर्स के लिए, चाहे वो आपका सीए कोर्स हो, चाहे वो सीएस कोर्स हो, CWA हो, CMA हो, आई मीन CW और CMA अब एक ही है, और MBA इन फाइनेंस हो या MBA हो, हर किसी के अंदर, इवन MCOM हो, हर किसी कोर्स के अंदर आपको FM जरूर करनी पड़ेगी। तो याद रखना, जो मैं आपको करा रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से और अच्छे से समझेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं फिर आप इसके आगे। सबसे पहले तो हम FM पढ़ क्यों रहे हैं? हमारे सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर, एफएम पढ़ने का बेनिफिट क्या है और एफएम हम पढ़ते क्यों हैं? फाइनेंस को मैनेज करना तो हमें आता ही है। देखिए, मैं या आप, नो डाउट आप स्टूडेंट हैं, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पर मंथ कुछ पॉकेट मनी मिलती होगी। सपोज करते हैं आपको 2,000 रुपये मिलते हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए, या 3,000 रुपये मिलते हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए, कि आपने इसमें अपना कॉलेज आना जाना है, या फिर कुछ बाहर खाना पीना है, मूवीज देखनी है, घूमना है, उस चीज के लिए हम आपको 3,000 रुपये देते हैं एक महीने में। इससे ज्यादा हम आपको नहीं देंगे। देखिए, कोई आपकी बर्थडे पार्टी है, कोई आपको बाहर मूवी पे जाना है, या कोई कुछ भी आपको काम करना है, तो आपको लेकिन एक बात पता है कि जो हमें घर से 3,000 रुपीज मिले हैं पर मंथ, हमें उससे ज्यादा इस महीने और नहीं मिलेंगे। तो आपको हर हालत में वो 3,000 रुपये पूरे महीने तक बैलेंस एक मैनेज करके चलना है। कि अगर मान लो मैंने आज, आज डेट है सपोज करते हैं 3 तारीख, मैंने 3 तारीख को एक मूवी मूवी देखने चला गया फ्रेंड्स के साथ, या कुछ शॉपिंग करने चला गया, और मैंने 1,000 रुपये खर्च कर दिए, तो मुझे पता है कि आने वाले 27 डेज तक मुझे उस 2,000 रुपये में ही अपने अपना बजट को मैनेज करके चलना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये चीज तो आप जानते ही हैं, तो सीखेंगे क्या? देखिए, मैं यहां पर आपको आपकी पर्सनल लाइफ नहीं सिखा रहा,
मैं यहां पर आपको जो सिखा रहा हूं वो मैं आपको बताऊंगा एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब हम किसी बिजनेस में आते हैं तो बिजनेस में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किन किन चीजों को ध्यान में रखकर हम लोगों को मार्केट से फंड रेज करना होता है और ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जिससे हम मार्केट में से फंड को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले मेरी कंपनी है एबीसी लिमिटेड है, मेरी कंपनी को मार्केट में से 100 करोड़ रुपीस की जरूरत है। अब 100 करोड़ अगर मुझे चाहिए फ्रॉम अ मार्केट तो मेरे पास ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे मैं फंड रेस कर सकता हूं मार्केट से। तो वही स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास सबसे पहले वो कौन कौन से सोर्स हैं जिससे मैं मार्केट से पैसा ले सकता हूं। क्लियर है, तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले सोर्सेज। हमारे पास ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हम मार्केट में से फंड को ले सकते हैं, या कोई भी कंपनी कैसे अरेंज करती है फंड फ्रॉम अ मार्केट। हमारे पास 4 ऐसे तरीके हैं जिस तरीके से हम लोग फंड रेस करते हैं मार्केट से। जैसे मैंने बोला मेरी कंपनी है एबीसी लिमिटेड और मेरी कंपनी को 100 करोड़ रुपीस की जरूरत है, तो वो 100 करोड़ कहां से आएंगे? तो उसके लिए देखिए कंपनी क्या करती है। मैंने अभी 100 करोड़ बोले हैं, नो डाउट ये 1000 10000 करोड़ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब सोचो अगर मुझे 10000 करोड़ रुपए मार्केट से लेना है तो ऐसा कौन सा सोर्स है जिससे मैं 10000 करोड़ रुपए ले सकता हूं मार्केट से? तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो वो जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले है इक्विटी शेयर्स इश्यू। ये मेरे पास सबसे इजी तरीका होता है मार्केट से फंड रेस करने का। इक्विटी शेयर्स इश्यू एक ऐसा सोर्स है जिससे मैं मार्केट से इजीली पैसा अरेंज कर सकता हूं। लेकिन देखिए हर चीज के मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी हैं, तो मैं आपको आज इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर ये भी बताऊंगा कि अगर मैं किसी चीज से फंड रेस कर रहा हूं तो उसके मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। सेकंड ऑप्शन है विच इज वेरी वेरी इजी, विच इज लोन। मैं किसी किसी कंपनी का अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजर हूं या फाइनेंशियल एडवाइजर हूं तो मैं उस कंपनी को फटाफट से अगर लोन दिलाना चाहता हूं, बहुत जल्दी अगर पैसा अरेंज करना चाहता हूं, तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या फिर किसी बैंक से मैं लोन ले सकता हूं। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, मैंने 8% पर लोन ले लिया। ये सेकंड वे है मार्केट से पैसा लेने का। थर्ड सोर्स है, सपोज करो मैंने 9% डिबेंचर्स इश्यू कर दिए, मैंने 9% डिबेंचर्स मार्केट में इश्यू कर दिए। परसेंटेज मैं कुछ भी लिख रहा हूं, ये कुछ भी हो सकती है। मतलब मैंने बोला है मेरे पास 4 ऐसे सोर्सेज हैं जिससे मैं पैसा अरेंज कर सकता हूं फ्रॉम अ मार्केट। सबसे पहला इक्विटी शेयर्स, दूसरा लोन, तीसरा डिबेंचर्स और फोर्थ हम मानते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को। ये मेरे पास फोर्थ वे है जिससे हम मार्केट से पैसा अरेंज करते हैं। लेकिन देखिए मैंने जैसे बोला है मार्केट से पैसा अरेंज करना ही सिर्फ मोटिव नहीं है हमारा। हम किसी कंपनी के अगर फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल मैनेजर हैं, तो हमें कुछ चीजें और भी ध्यान में रखनी है कि जिस भी सोर्स से मैं पैसा अरेंज कर रहा हूं उसमें रिस्क कितना है। पहली चीज रिस्क, दूसरी चीज हमारे पास उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कितनी है। रिस्क के साथ साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी ध्यान में रखना जरूरी है और हमारी बुक का वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है विच इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो मैं आपको वहां पर बताऊंगा जब वो पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं लेकिन इंट्रोडक्शन में भी उसकी बात करना जरूरी है।
तो वो जरूर बताऊंगा कि इक्विटी शेयर्स इश्यू करने पर कंपनी को रिस्क क्या होगा, लोन लेने पर क्या रिस्क होगा, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स के टाइम पर क्या क्या रिस्क होगा, तो उसकी बात भी करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको रिस्क भी बता देता हूं। यहां पर हम बात कर रहे हैं रिस्क की। रिस्क का मतलब है कि जब हम कोई चीज या कोई भी फंड मार्केट से रेस करते हैं तो ईयरली मुझे उसके ऊपर कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले लोन का दे रहा हूं, मैंने 1,000 करोड़ रुपए या 10,000 करोड़ रुपए मार्केट से लोन लिया है 8% पर, तो कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो कंपनी को कोई मतलब नहीं है, या फिर लोन वाली कंपनी को भी कोई मतलब नहीं है। कंपनी को हर साल उस पैसे के ऊपर जो भी मार्केट से उसने बोरो किया है उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट देना ही देना होगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। तो याद रखना, ये जो इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं कंपनी के लिए क्या है, ये इसका रिस्क है। क्योंकि मैंने बिजनेस करा 10,000 करोड़ रुपए लगाकर और मेरी कंपनी को इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, 10,000 करोड़ का 8% हो गया 800 करोड़, 800 करोड़ रुपीस की कंपनी के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट होगी ही होगी, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही होगा। तो ये क्या है कंपनी के लिए रिस्क। इतना रिस्क तो कंपनी को लेना ही पड़ेगा या फिर इतनी कॉस्ट तो कंपनी को बियर करनी ही पड़ेगी, ये हमें याद रखना है। ऐसे ही 9% डिबेंचर्स है, कंपनी को डिबेंचर्स के ऊपर भी क्या होता है, इंटरेस्ट देना होता है। उसके बाद है 10% प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कंपनी को डिविडेंड देना होता है और इक्विटी शेयर्स के ऊपर भी कंपनी को डिविडेंड देना होता है। अब इसके अलावा क्या हमारे पास कोई ऐसा सोर्स है जिससे हम मार्केट से पैसा लगा सके? कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर हम अपना ही पैसा लगा दे तो याद रखना, हमने कंपनी के अंदर भी पढ़ा है अकाउंट्स के अंदर कि अगर हम अपना पैसा भी लगाते हैं तो जो भी कंपनी के पार्टनर्स होंगे या मेंबर्स होंगे वो अपनी कैपिटल के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। तो कंपनी को कहीं ना कहीं वो लायबिलिटी भी तो बियर करनी पड़ेगी। अगर कंपनी सपोज करो लोन ले लेती है अपने ही मेंबर से या अपने ही कैपिटल को इन्वेस्ट करती है, तब भी क्या होगा कि हमें अपनी कैपिटल के ऊपर भी इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा। और वो इंटरेस्ट किस चीज का पार्ट होता है, कहीं ना कहीं वही कंपनी का रिस्क होता है। सेकंड, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर हम किसी से वैसे ही उधार ले ले तो। बेटा 10,000 करोड़ रुपए आपको कौन उधार देगा या किसी कंपनी को कोई उधार क्यों देगा, ये सोचो। अगर आप सोचते हैं आपके अंकल, आपके कोई भी रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड सर्कल में अगर हम किसी से लोन ले लेते हैं या उधार ले लेते हैं, तो याद रखना वो उधार भी लोन ही कहलाता है और आपको उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं लायबिलिटी बियर करनी होती है। ठीक है, चलिए हम वैसे भी उस कॉन्सेप्ट को हम उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो लीगली अप्रूव्ड होता है। किसी से आपने पैसा लिया तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना जरूरी है, ये याद रखना। आप किसी से कोई भी मनी ऐसे ही नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास बेसिकली 4 सोर्सेज हैं जिससे हम मार्केट में से फंड को रेज करते हैं, बोरो करते हैं। अब मैं आपको एक डिफरेंस जरूर बताऊंगा यहां पर, क्योंकि 90% बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर हमारे को ये नहीं समझ में आता है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस। तो मैं आपको इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं। याद रखना, इक्विटी शेयर्स के अंदर पहला, सेल राइट्स, आप इसे सेल भी कह सकते हैं या इश्यू भी कह सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है कि हम अपने राइट्स इश्यू कर देते हैं, हम अपने राइट्स को इश्यू कर देते हैं। मतलब कभी भी कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर्स मार्केट में इश्यू कर रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने राइट्स मार्केट में इश्यू कर दिए हैं। और अगर आपके पास किसी कंपनी के 5% शेयर्स हैं, याद रखना
अगर किसी कंपनी के पास आप किसी भी कंपनी के आपके पास अगर 5% शेयर्स हैं तो इसका मतलब आपको पूरा हक है, या वो कंपनी आपको जरूर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में और कोई भी फाइनेंस या कोई भी कंपनी के मेजर्स डिसीजंस के टाइम पर आपके वोटिंग प्लस आपकी एनरोलमेंट, आपकी इन्वॉल्वमेंट हर चीज में आपको जरूर बुलाएगी, अगर कंपनी के अगर आपके पास किसी कंपनी के 5% शेयर्स हैं तो। मतलब कहीं ना कहीं हमारे राइट्स आप खरीद लेंगे, ठीक है। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर राइट्स इश्यू नहीं किए जाते हैं, नो राइट्स इशू, ये याद रखना है। अगर अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है, अगर आपने किसी कंपनी के 80% प्रेफरेंस शेयर्स भी ले लिए तो आपके पास कोई राइट्स नहीं है, ये याद रखना। नेक्स्ट सेकंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड व्हेन कंपनी हैव डिविडेंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर्स होल्डर्स, याद रखना। अब ये क्या है, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो सबसे पहले जितना प्रेफरेंस, देखो ऊपर एक चीज यहां पर हमने लिखा था, ये वाला पॉइंट देखेंगे, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, ये जो 10% है ये एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है जो कंपनी देती है अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अगर मैंने बोला है अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो सबसे पहले उस प्रॉफिट में से जो डिविडेंड दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस गोइंग टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स, ये याद रखना। सबसे पहले गोइंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सबसे पहले आपको याद रखनी है कि अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट का जो पार्ट है वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में दिया जाएगा, देन अगर प्रॉफिट बचता है तो द पार्ट द रिमेनिंग पार्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। बचने के बाद जो पैसा बचेगा वो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, अगर बचा तो। अगर नहीं बचा मतलब मेरा प्रॉफिट इतना ही हुआ था कि मैं सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही डिविडेंड दे पाया और इक्विटी शेयर्स के लिए पैसा नहीं बचा तो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देंगे, याद रखना। ये बुक लाइफ बता रहा हूं मैं आपको, रियल लाइफ में थोड़ा सा अलग होता है, तो हम बुक लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ भी करेंगे, क्लियर है। और थर्ड और मेजर पॉइंट जरा वो भी देखते हैं एक बार, थर्ड पॉइंट क्या है, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। अगर इक्विटी शेयर्स के टाइम पर अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी, याद रखना। अगर प्रेफरेंस शेयर्स के टाइम पर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो केस अलग होता है। इक्विटी शेयर्स में ध्यान से जरूर देखेंगे एक बार,
अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा और कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर्स उस बात का ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब होता है कंपनी का मालिक। मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं, सपोज करो चाहे सिर्फ एक शेयर हो तो कहीं ना कहीं मैं उस कंपनी का मालिक हूं। कितना परसेंट हूं? 0.00000000, मतलब बहुत 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 ऑलमोस्ट ना के बराबर, लेकिन ना नहीं, मैं मालिक हूं। और अगर मेरी ही कंपनी को, क्योंकि मैं मालिक हूं, चाहे बिल्कुल ही ना के बराबर मालिक हूं, लेकिन अगर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं और मेरी ही कंपनी, क्योंकि आई एम द ऑनर ऑफ अ कंपनी, मेरी ही कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो डेफिनेटली मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा। ऐसा कौन कहता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। बट प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या होगा, जरा वो देखेंगे। आप लोगों ने वैसे कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर ये पढ़ा है जरूर रिकंस्ट्रक्शन के लिए, कि अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ और कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं या कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करे हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा? नो प्रॉफिट नो डिविडेंड दिस ईयर, बट नेक्स्ट ईयर डिविडेंड विल बी डबल गिवन टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स। मैंने थोड़ा छोटा छोटा जरूर लिख दिया है, लेकिन यहीं पे लिखना था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर प्रेफरेंस शेयर्स में, ये याद रखना, अगर मेरे कंपनी को इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं इस बार अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दूंगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो नेक्स्ट ईयर मुझे अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इस साल का डिविडेंड भी देना होगा और नेक्स्ट ईयर का भी देना होगा। दोनों सालों का डिविडेंड देना होगा, जो लास्ट ईयर मैंने नहीं दिया था वो वाला भी और ये वाला भी, इस साल का भी। क्लियर हो गया? मतलब जैसे मैंने बताया कि मैंने किसी कंपनी का, मैं इस साल मेरी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न नहीं किया तो मैंने इस साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर मुझे जो डिविडेंड देना होगा वो इस साल का भी देना होगा और नेक्स्ट ईयर का भी देना होगा, मतलब डबल देना होगा। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, जिस साल प्रॉफिट होगा आपको उसी साल डिविडेंड देना है, ये याद रखना। क्लियर हो गया है? ये था मेरा डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ये मेजर तीन डिफरेंसेस होते हैं जो मैंने आपको बता दिए और ये याद रखना। अब जरा एक बार यहां पर आ जाओ ऊपर, मेरे पास इक्विटी शेयर्स इशू हैं, याद रखना, जिसके ऊपर डिविडेंड दिया जाता है। कंपनी इसको इशू करना सबसे अच्छा मानती है क्योंकि इससे कंपनी को दो बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो कंपनी को रिस्क नहीं होता है कि कंपनी को डिविडेंड देना जरूरी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना जरूरी है, डिबेंचर्स को तो इसी साल देना जरूरी है, लोन को इसी साल देना जरूरी है, और इन दोनों ही केसेस में चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, याद रखना, लोन के केस में भी और डिबेंचर्स के केस में भी आपको इंटरेस्ट देना जरूरी है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपने इंटरेस्ट देना जरूरी है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देना जरूरी है, इस साल नहीं देंगे तो नेक्स्ट ईयर डबल करके देंगे, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। तो इसीलिए आपको मैं बता भी देता हूं एग्जांपल्स के लिए कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, रिलायंस, टाटा, बिरला, जितनी बड़ी बड़ी बैंकिंग सेक्टर है,
SBI, HDFC, ICICI, पंजाब नेशनल या कोई भी आप देख सकते हैं, जितनी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, मारुति आप देखेंगे, मदर डेयरी, अमूल, जितने भी हमारे पास हैं, इन सभी कंपनीज ने मार्केट में, इवन गवर्नमेंट सेक्टर की देखेंगे अगर हम, एनटीपीसी, हमारे पास इन सभी कंपनीज ने मार्केट में शेयर्स इशू करे हुए हैं। ये कंपनी शेयर्स इशू इसीलिए करती है क्योंकि कंपनी को फंड की जरूरत होती है, और फंड का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा माना जाता है, वो इक्विटी शेयर्स माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर रिस्क कम से कम होता है। क्लियर है, ये याद रखना। अब मैं एक आपको एक टेबल बनवा रहा हूं, याद रखना, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टेबल है पूरी एफएम के अंदर। ये टेबल एक बार नहीं, बहुत बार काम आएगी, और ये पूरी किसी बिजनेस का एक सिनेरियो होता है, इंडियन बिजनेस का एक पूरा सिनेरियो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने पढ़ा भी है लेकिन आई एम श्योर कि आपको शायद वो अभी इतना याद नहीं होगा, तो मैं आपको वो एक बार पूरा स्टार्टिंग से बता रहा हूं। ये एक बिजनेस का पूरा पोर्टफोलियो भी कह सकते हो और सिनेरियो भी कह सकते हो, ठीक है? तो चलिए देखते हैं जरा उसको, फुल फॉर्म्स में नीचे लिखूंगा या आप साथ के साथ लिख भी सकते हैं। सबसे पहले याद रखना, किसी बिजनेस के अंदर हम कोई सेल करते हैं, सेल कहते हैं रिवेन्यू को, और सेल के अंदर बहुत सारी अलग अलग कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स माइनस वीसी की। सेल्स माइनस वीसी क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। ये एक चार्ट है जिसको आपको याद करना जरूरी है, या एक बिजनेस का सिनेरियो है, ये आपको पता होना चाहिए। सेल्स माइनस वीसी इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन, और कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देता हूं, वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट और एफसी मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देता हूं तो मेरा बचता है ईबीआईटी, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं याद रखना, ये आपको याद रखना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि आने वाले 3, 4, 5 चैप्टरों के अंदर ये जो मैं आपको एक चार्ट बना रहा हूं, एक सिनेरियो बना रहा हूं कंपनी का, ये आपको एज इट इज लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए। और बिजनेस में यही रूल फॉलो किया जाता है, ये याद आपको रखना है। और ईबीआईटी को ही हम अपना बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। EBIT की फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप अभी लिखना चाहे अभी लिख लो, वरना नीचे मैं पूरी फुल फॉर्म इसकी लिख दूंगा। इसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट दो चीजों का होता है, सबसे पहले तो जो हमने लोन इशू किया है, या फिर जो हमने डिबेंचर्स इशू करे हैं, दोनों ही केस के जो इंटरेस्ट है वो यहां से माइनस कर दिए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ईबीआईटी में से कौन कौन से इंटरेस्ट माइनस होंगे? जो भी आपने लोन लिया है मार्केट से, या जो आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं मार्केट में, इन दोनों के इंटरेस्ट को यहां से माइनस करते हैं ईबीआईटी में से, तब कंपनी के पास जो बचता है उसे हम कहते हैं ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। और इस अर्निंग बिफोर टैक्स को ही हम पीबीटी भी कह देते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अर्निंग कहो या प्रॉफिट कहो एक ही बात है, क्योंकि आगे जो हम चैप्टर्स करेंगे उसके अंदर इन दोनों ही वर्ड्स को यूज किया जाता है, ठीक है? तो ये आ गया ईबीटी। ईबीटी में से माइनस कर देते हैं हम लोग टैक्स। टैक्स रेट आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, या टैक्स रेट, वैसे तो अगर हम कंपनी की ही बात कर रहे हैं तो नॉर्मली कंपनी का जो टैक्स रेट है वो 30% है, लेकिन क्योंकि ये टैक्स मेरा कौन से वाला होता है, ये टैक्स होता है इनकम टैक्स, और ये बात हम सभी को पता है इनकम टैक्स का जो रेट है वो फिक्स्ड नहीं होता, ये
30% है, अभी ये 25% भी किया गया है लेकिन लिमिटेशंस के साथ, तो मुझे मतलब नहीं है, ये टैक्स जो भी गिवन होगा हम वो ही लिख लेंगे, ये याद रखना, ये जो भी टैक्स गिवन होगा हम वही लिख लेंगे, और पेपर में ये गिवन होता है या क्वेश्चन में ये गिवन होता है। टैक्स को माइनस करने के बाद हमारा जो बचता है उसे हम कहते हैं ईएटी, जिसे हम कहते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स ईएटी। अब इसके बाद ईएटी के बाद इसमें से हम माइनस कर लेते हैं, अब ये वो पॉइंट आ गया है अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद। अब देखो मैंने आपको बताया था वी हैव फोर ऑप्शंस टू रेज फंड फ्रॉम अ मार्केट, इक्विटी, लोन, डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। हमने लोन और डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट तो दे दिया, ये दे दिया, अब हमारे पास आया है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इन दोनों में से पहले प्रेफरेंस मैंने आपको बता दिया, पहले प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाती है, तो ईएटी में से हम माइनस कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड हम यहां से माइनस कर देंगे, ईएटी माइनस प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड। जो मेरा बचेगा उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट फॉर दी शेयर्स होल्डर्स, ये वो पैसा बच गया है जो अब शेयर होल्डर्स में दिया जाएगा। देखिए जो मैंने आपको बोला था कि यही वो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जिसके अंदर हम पहले किसको पैसा देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, फिर जो पैसा बचेगा वो दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो प्रॉफिट जो है वो यहां पर बचा है शेयर होल्डर्स का। यहां पर मैं आपको पहले तो बुक लाइफ बता रहा हूं और फिर रियल लाइफ बता रहा हूं, क्योंकि एफएम के अंदर दोनों ही चीज काम आती हैं, बुक लाइफ भी और रियल लाइफ भी, तो ये आपको मैं बता रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखेंगे। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके बाद नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स से, प्रॉफिट फॉर द शेयर होल्डर्स को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, उसके बाद जो बचता है उसे हम कहते हैं, याद रखना, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसे हम कहते हैं ईपीएस, ईपीएस, ईपीएस कहते हैं अर्निंग पर शेयर को। ईपीएस किसको कहते हैं, अर्निंग पर शेयर को। जरा यहां से देखेंगे एक बार, ये मेरा एक कंप्लीट फॉर्मेट है किसी भी कंपनी के लिए, आपको इसी को फॉलो करना है, और पूरी एफएम के अंदर ये फॉर्मेट आपको एक बार नहीं, बार 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 आपको काम आएगा, बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर ये आपको काम आएगा, तो आपको जरूर याद रखना है ये, और एक दो बार आप लिखेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। सेल्स माइनस वीसी इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन का वैसे मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कर दे तो मेरा बचता है प्रॉफिट, जिसे हम ईबीआईटी कहते हैं। ईबीआईटी होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आप लिख लें इसे जरूर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हम माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट को, उसके बाद जो मेरा आता है, याद रखना, इंटरेस्ट चाहे वो लोन का हो या डिबेंचर्स का हो, वो दोनों इसी में से माइनस होंगे ईबीआईटी में से। फिर जो मेरा बचता है उसे हम कहते हैं ईबीटी या फिर पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स, और फिर उसमें से हम माइनस कर देते हैं इनकम टैक्स, जिसे हम सिर्फ टैक्स के नाम से लिखते हैं। ये इनकम टैक्स होता है और ये मैंडेटरी होता है अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो देना। पीबीटी में से टैक्स माइनस कर देंगे तो बच जाएगा ईएटी, इसे ईएटी कहो या फिर पीएटी कहो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहो, एक ही बात है। इसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड, क्योंकि मैंने बताया भी था हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो देने के बाद जो मेरा बचता है उसे हम लिखते हैं प्रॉफिट फॉर द शेयर होल्डर्स फंड,
और उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से नहीं, इक्विटी शेयर से डिवाइड करने के बाद जो मेरा बचता है उसे हम कहते हैं ईपीएस। ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। और किसी कंपनी का या जिस किसी कंपनी का ईपीएस जितना ज्यादा होगा, वो कंपनी उतना ही अच्छा वर्क कर रही है, ये याद रखना। या एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वही कंपनी सबसे अच्छी है जिस कंपनी का ईपीएस सबसे अच्छा है। समझ में आ गया है? चलिए अब, लेकिन इस ईपीएस का थोड़ा सा मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके आगे, इस ईपीएस को एक्चुअली हम उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं। ये है ईपीएस। इस ईपीएस के हम हमेशा दो पार्ट करते हैं। ईपीएस के हम हमेशा दो पार्ट करते हैं, एक तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एक तो हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम करते हैं, और दूसरा, या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और दूसरे पार्ट पे हम करते हैं रिटेन। दूसरे पार्ट पर हम करते हैं रिटेन, ये याद रखना। तो ईपीएस के अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेन दोनों किया जाता है किसी भी कंपनी से। अब ये क्या है जरा उसको समझते हैं। रिटेन का मतलब होता है रोकना, पैसे को रोकना। मान लो मेरा ईपीएस है 20 रुपए का, एक शेयर्स के ऊपर जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो मिल रहा है एक इन्वेस्टर को, वो 20 रुपए का मिलना चाहिए, तो कंपनी वो 20 रुपए आपको नहीं देगी पर शेयर एज अ डिविडेंड। क्यों? अगर कंपनी ने आपको ही वो 20 रुपए दे दिए तो कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कैसे करेगी, वो सोचो। और एक चीज जरूर यहां पे याद रखना है आपको, जैसे ये ईपीएस हुआ है 20 रुपए का, इस 20 रुपए में से मैं मान के चलता हूं 12 रुपीज जो है वो डिविडेंड के रूप में दे दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को, लेकिन 8 रुपीज जो है वो कंपनी रिटेन कर लेती है पर शेयर। उसके दो रीजन होते हैं, कंपनी को पैसा रिटेन करने के दो रीजन होते हैं, और कंपनी सिर्फ और सिर्फ ईपीएस में से ही पैसा रिटेन कर सकती है, बाकी कोई और सोर्स ही नहीं है। किसी और पर्सन का पैसा हम रिटेन कर ही नहीं सकते हैं। जरा देखेंगे एक बार, पहले जरा एक बार ऊपर आ जाओ। कंपनी को सेल हुआ, वेरिएबल कॉस्ट, कंपनी को वेरिएबल कॉस्ट जरूरी है और इसको हम रोक नहीं सकते। मैंने बोला ये पेन है, मेरे को ये पेन मैं बेचता हूं 10 रुपए का मार्केट में। अब 10 रुपए का पेन अगर मैं मार्केट में बेचता हूं तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है मेरे पास मान लो 6 रुपए की, 6 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। तो क्या मैं 6 रुपए की कॉस्ट को कम कर सकता हूं? क्या नहीं, क्योंकि ये तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, आएगी ही आएगी। इसके अंदर मटेरियल है, लेबर है, ये मेरी कॉस्ट का पार्ट है जिसको मैं नहीं बचा सकता हूं। तो 6 तो करनी ही करनी पड़ेगी, वो मैंडेटरी है। फिर मेरे पास नेक्स्ट कॉस्ट आती है फिक्स्ड कॉस्ट। जिस फैक्ट्री में ये पेन बन रहा है उसका रेंट जाता है 1,00,000 रुपए साल का, तो वो बच सकती है क्या? या 1,00,000 रुपए महीने का रेंट जाता है तो क्या वो बच सकती है? नहीं, रेंट देना मैंडेटरी है, वो दिया ही जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। मैंने बताया था चाहे मुझे प्रॉफिट हो या ना हो, अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू करे हैं या फिर लोन लिया है, तो कंपनी को हर हालत में इन दोनों ही केसेस में इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है, हम रोक नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट का टैक्स, इनकम टैक्स। उसके इंटरेस्ट देने के बाद भी अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको मैंडेटरी है गवर्नमेंट को टैक्स देना, इसको भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड। मैंने आपको बताया था अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो उसको अपने प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देना मैंडेटरी है, और अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर आपको डबल करके देना है, मतलब देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आप उसे छोड़ नहीं सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट आता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। यस, अर्निंग पर शेयर ये उस पर्सन को मिलता है जो कंपनी के मालिक होते हैं, क्योंकि मैं शेयर होल्डर हूं तो मैं कंपनी का मालिक हूं, और ये ईपीएस मालिकों को मिलता है, मतलब मेरे को, और मेरी ही कंपनी है तो मेरी ही कंपनी को चलाने के लिए मुझे मेरा ही कुछ पैसा
रोक लिया जाएगा और उसी को री इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि हम ग्रोथ कर सके। जैसे हम जानते हैं जितनी भी कंपनियां, चाहे वो रिलायंस हो, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी बैंकिंग हो, सबने आज जितने बड़ी बड़ी वो फर्म्स या इंडस्ट्रीज बन रही हैं वो स्टार्टिंग में इतनी नहीं थी। वो अपने ही बिजनेस में अपने ही और पैसा लगाती है, पैसे को जो प्रॉफिट अर्न करती है उसके रोक कर उसे रिटेन करके उसी को री इन्वेस्ट करती है। तो अल्टीमेटली इसको री इन्वेस्ट करा जाता है ताकि मेरी कंपनी ग्रोथ कर सके। तो ग्रोथ के लिए री इन्वेस्ट करना जरूरी है। और दूसरा याद रखना, ये री जो रिटेन होता है इसको हम करते हैं री इन्वेस्ट, इसको हम करते हैं री इन्वेस्ट। और दूसरा हम इसको री इन्वेस्ट, और दूसरा हम बात करें अनएक्सपेक्टेड लॉस को बियर करने के लिए हम इसको अपने पास जरूर रखते हैं। फ्यूचर में मेरी कंपनी है एक्स वाई जेड कंपनी और मेरे को कभी लॉस हो गया, तो अपने लॉस को बचाने के लिए या अपने लॉस से बचने के लिए मुझे कहीं ना कहीं कुछ पैसे को अपने पास रखना जरूरी होगा। वो जो पैसा मैं अपने पास रखूंगा वो कैसे रखूंगा, वो अपने ही प्रॉफिट में से, हम लोगों का ही जो पैसा होता है उसी को रिटेन कर वही उसको रख लिया जाता है, ठीक है, ताकि अनएक्सपेक्टेड लॉस से फ्यूचर में निपटा जा सके। और ये पैसा मैंने बता दिया है, ये इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को दे दिया जाएगा एज इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड, ये दे दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड, ये दे दिया जाएगा। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये याद रखना, ये सारा का सारा जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये किस चीज का आता है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एफएम का। तो आज के लिए इतना बहुत है। किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट हो या कोई कुछ पूछना चाहे तो मेरे से पूछ सकता है, क्लियर है, मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको और बताऊंगा और नए टॉपिक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे।